नमस्कार, तेज खबर 24 के साथ मैं शेल्वी और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो वहीं 1 जून से लोग कर्फ्यू से राहत मिलने की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। प्रदेशवासियों की इस उम्मीद को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ करने का विचार है, इसमें क्रमबद्ध रूप से गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। उन्होंने कहा कि कई नगरीय क्षेत्रों में कोरोना के प्रकरण कम हैं, जबकि कई स्थानों पर इनकी संख्या अधिक है। इस स्थिति में हमें एरिया स्पेसिफिक रणनीति बनानी होगी। अपने जिलों के अधिक संक्रमण वाले वार्डों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करना होगा और इन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट बनाकर सघन मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। दरअसल नगरीय क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों से कोविड-19 के नियंत्रण के प्रबंधन पर सीएम निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित रखने, 31 मई तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और 1 जून से व्यवस्थाओं को धीरे धीरे आरंभ करने की आगामी रणनीति भी नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के सुझाव से ही बनेगी और इसका क्रियान्वयन भी आपके सहयोग से ही होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, संक्रमण रोकने के लिए प्रदेश में लंबे समय तक व्यापार और कार्यालयों को बंद नहीं रखा जा सकता। अब प्रदेश में कोरोना प्रकरणों की संख्या कम है, अतः कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। फिलहाल सीएम ने जन प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में परिस्थितियों अनुसार माइक्रो प्लानिंग कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन के साथ मिलकर संक्रमण को कंट्रोल करने में आप सब भी दिन और रात लगे रहे, लेकिन अब जो हमने रणनीति बनानी है उसी पे चर्चा करने मैंने आज आपको बुलाया। मैंने कहा 31 मई तक हमारा टारगेट कोरोना से मुक्त करना है अपने शहर को। 1 जून से हमको धीरे धीरे सब चीजें खोलनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी दुनिया भी तो चलनी है, लेकिन खोलनी तो इस तरीके से कि फिर से ना फैल जाए। लेकिन अभी हम पूरे शहर के बजाय शहर में हम हॉट स्पॉट चुन लें। कई वार्डों में नहीं होगा संक्रमण, हम जानते हैं, कई वार्ड मुक्त हो गए होंगे, कुछ वार्ड बचे होंगे या केस होंगे पॉजिटिव, तो जो वार्ड बचे हैं उस वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को आपके साथ मिलके, आप भी उसमें होंगे, नहीं तो आप जनप्रतिनिधि हैं इसलिए है ही मेरे लिए उसमें, उस वार्ड में कौन से घर में केस है पॉजिटिव, उसकी जानकारी लेके उसको कंटेन करते हैं, मतलब वो घर में ही रहे। अगर स्वस्थ है होम आइसोलेशन में तो होम आइसोलेशन की देखरेख के, वो पूरे घर के साथ तो नहीं रह रहा, नहीं सब संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि एक भी संक्रमित मिला तो एक से फिर कई कई में फैलता है। उस घर को पहचान के घर में होम आइसोलेशन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा तो समझा के उनको कोविड केयर सेंटर में ले जा सकते हैं। उस घर को कंटेन करना, माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के उस घर को अलग थलग करना पड़ेगा, समझा के बुझा के, ताकि वहां से संक्रमण बाहर ना निकले।